अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम ट्राई करेंगे ये 3D वॉल क्लॉक जो होता है इसको जोड़ने की कोशिश करेंगे। ये मैंने ऑर्डर किया है और ये काफ़ी क्रिटिकल है इसको जोड़ना और सारा करना। तो अभी अभी मैंने इसे ओपन किया है। ये कुछ इस तरह से करके जहाँ पे सेल वगैरह डलता है ये तो मैंने डाल लिया है, लेकिन बाकी के जो पीसेज हैं उनको जोड़ना थोड़ा मुझे मुश्किल लग रहा था। तो सोचा कि आप लोगों के साथ भी इस चीज़ को शेयर करूँ कि ये देखें, ये कुछ इस तरह से पीसेस हैं। मैंने ब्लैक कलर में ये मंगवाया है और साथ में ये गाइडलाइन तो इन्होंने दी हुई है, लेकिन इसके सारे पीसेस अलग अलग हैं। ये आप देख सकते हैं, क्लियर भी दिया हुआ है। ये साथ में पिने हैं जो कि यूज़ होंगी, और ये जो डिजिट्स हैं इस तरह से करके इनको अलग अलग करके तो ये चिपकेंगे दीवार के साथ। ये तो ईजी है, लेकिन ट्राई करते हैं इसका क्या प्रोसीजर है और इसको कैसे यूज़ करना है। तो ये साथ में इन्होंने एक पेपर भी दिया हुआ है कि ये कैसे आपने इसको करना है कंप्लीट। देखिए ये प्रॉपर इन्होंने इसकी शेप दी हुई है, तो किस तरह से आप पहले इसको रख के फोकस करके देखें, उसके बाद फिर आप दीवार पे लगाएं ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। और ये आई थिंक सो ये यहाँ पे फिक्स होगा, और ये बाकी के जो डिजिट्स हैं वो तो चलो समझ में आ रहा है कि इनको कैसे लगाना है, क्या करना है। मेन चीज़ है ये इसको लगाना, पिने वगैरह इसमें डालना। तो ये वाला ट्राई करके देखते हैं कि कैसे ये होती हैं, इजीली इनको एडजस्ट किया जा सकता है कि नहीं। साथ साथ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये साथ में पेपर इन्होंने दिया तो है कि इसको कैसे करना है, बट ये नहीं, ये जस्ट सरफेस को क्लीन करना है, उसके बाद आपने ये पेपर जो है इसको देख के इस तरह से करके इसको कर देना है अटैच। लेकिन मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है कि ये जो छोटे छोटे से ये हैं इनको किस पॉइंट पर लगाते हैं तो इनको थोड़ा सा फिक्स करने का थोड़ा मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, अदरवाइज़ बाकी तो सारा ईजी है। तो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैंने मंगवाया है ब्लैक कलर में, तो इसलिए मुझे पिने जो हैं वो भी इसी तरह से लगानी होंगी, इस तरह से करके। लेकिन इससे पहले यहाँ पे लगेगा ये वाला पीस इस तरह से, और इसके ऊपर आई थिंक सो ये इस तरह से लगेगा। पहले ये आवर्स वाली जो है ये लगेगी पिन, उसके बाद ये मिनट्स वाली है, इसको आई थिंक सो ये इस तरह से करके पहले बंद करना है, लॉक कर लिया ये वाले पीस को। जहाँ तक मुझे समझ आ रही है वो तो यही है लग रहा। उसके बाद ये लगेगी, बाकी तो स्टिकर्स हैं उनको तो लगाना मुश्किल नहीं है, बट ये जो पीसेस हैं आई थिंक इनको घुमाएंगे तो ये नीचे चली जाएगी। अरे नहीं भाई, ये तो इतना मुश्किल नहीं है। ये आप देखें, इसको जस्ट मैंने ऊपर ये पिने रखने के बाद इसको ऊपर मैंने लगाया है, तो ये इसमें ये देखिए ना, ये खुद ही फिक्स हो गया इसमें ना। इस तरह से तो ये देखिए अभी खुद ही काम कर रहा है। तो अगर हमें टाइम वगैरह सेट करना है तो आई थिंक हम इनको घुमा के अपनी मर्ज़ी से टाइम जो है वो सेट कर सकते हैं। अगर 12 बजे का टाइम है तो इस तरह से करके टाइम को सेट कर लेंगे तो ये खुद ही वर्क करेगा। तो बाकी जो पीसेस हैं उनको हम दीवार के ऊपर चिपकाते हैं। ये आप देख सकते हैं स्टिकर्स की तरह हैं, ये तो बहुत ईजी सा है। इनको जस्ट आपने सरफेस को क्लीन करना है और ये जस्ट आपने इस स्टिकर को उतार देना है और इस तरह से चिपका देना है। तो ये सारे इन्होंने नंबरिंग की हुई है, आप देख सकते हैं इस तरह से। तो इसको मैं दीवार पे लगाती हूँ, फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल कैसे लुक आती है। बाकी जिस तरह की वीडियोज़ में या सोशल मीडिया पर देखते हैं वैसे लुक आती है या नहीं। अच्छा जी, तो ये मैंने लगा लिया है इस तरह से, इसको फिक्स किया है, अच्छा लग रहा है वैसे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझसे लग जाएगा, बट इजी है। पिन्स जो हैं उनको थोड़ा सा फिक्स करने का थोड़ा इशू हो रहा था, लेकिन जब फिक्स की तो बहुत इजी थी।
मॉडल अच्छा है, इसकी क्वालिटी भी अच्छी है। मैंने ऑनलाइन बाय किया है noon.com से, तो रिजनेबल प्राइस में है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।